ये आकाशवाणी है। सामिकी में प्रस्तुत है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राजभाषा हिंदी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन गिरी और आकाशवाणी संवाददाता संतोष द्विवेदी। राजीव रंजन गिरी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे सभी श्रोताओं को भी आज विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरी जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना, इसे मूर्त रूप देने और इसमें राजभाषा हिंदी का क्या योगदान हो सकता है? देखिए, हमारे देश में हजारों भाषाएं हैं और ये उसकी खूबसूरती है, पर सारी भाषाओं के बीच में जो पुल का काम जो भाषा करती है वो हिंदी है, और हमारी विविधता को ताकत के रूप में तब्दील भी हिंदी करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसमें भारत की विविधता का सम्मान करते हुए भी कुछ ऐसे साझा मूल्यों की पड़ताल की गई है जिसके जरिए सब कुछ आपस में जुड़ता हुआ हो। तो भारत की जो भाषाई विविधता है उस भाषाई विविधता में हिंदी सबके बीच पुल का काम कर रही है, क्योंकि हिंदी राजभाषा के तौर पर स्वीकृत है भारत के संविधान के द्वारा, तो सारे देश को भाषा के स्तर पर बांधने का काम, जोड़ने का काम भी हिंदी कर रही है। और ये जो हिंदी है जिसको राजभाषा हिंदी कहते हैं, ये अपनी ऊर्जा ग्रहण करती है भारत की तमाम भाषाओं से, क्योंकि ये इसको खाद पानी भारत की तमाम भाषाओं से मिलता है, इसका विस्तार और विकास भारत की भाषाओं के जरिए होता है, इसलिए वो सबकी एक तरह से बहनों में बड़ी बहन आप कह सकते हैं, और ये सबकी अभिव्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति मानकर इसको आगे ले जाती है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसे राजभाषा हिंदी भाषाई स्तर पर पूरे देश को मुल्क की सारी भाषाओं के जरिए जोड़ने का काम करती है। बड़े विस्तार से समझाया कि कैसे हिंदी एक सेतु का काम कर रही है राज्यों से राज्यों के संपर्क के रूप में, और एक जनमानस का दूसरे जनमानस, दूसरे राज्य के जनमानस से भी ये एक सेतु का काम कर रही है उसे जोड़ने में। और आपसे ये जानना चाहूं कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसमें कि कोई एक राज्य अपनी संस्कृति एवं पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए किसी अन्य राज्य को चुनता है और दोनों राज्यों के मध्य विभिन्न माध्यमों द्वारा, जिसमें भाषा भी एक है, अंतःक्रिया बढ़ाई जाती है, तो अगर इसे हम देखें तो ये भारत का जो संघात्मक स्वरूप है उसके लिए कितना कारगर है? जिसको आप अंतरक्रिया कह रहे हैं कि एक राज्य की संस्कृति अपने दूसरे राज्य में जाकर भाषा के जरिए सब कुछ करती, असल में इंसान दूसरे व्यक्ति से जुड़ता जिन माध्यमों से है वो तो भाषा ही है, प्राथमिक तौर पर और अनिवार्य तौर पर वो भाषा ही होती है। तो जो भारत की संघात्मकता है उसको आपस में जोड़ने के लिए जो मूल्यों का आदान प्रदान, एक दूसरे से जो निकटता उनकी बढ़ती है, उसमें नियामक का काम भाषा करती है, और हिंदी ही ऐसी भाषा है अभी भारत में जो लगभग 70% लोगों को आपस में बातचीत कराती है, और जो बाकी 30% हैं अगर वो बातचीत नहीं कर पाते हैं तो समझ जरूर लेते हैं। हिंदी के प्रति मतलब समझ बहुत व्यापक है। जी बिल्कुल, और ये बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, सोशल मीडिया के द्वारा, हिंदी सिनेमा के द्वारा और अलग अलग माध्यमों के जरिए इसका प्रचार और प्रसार होता जा रहा है। इसके अलावा अभी भारत में दूसरी कोई भाषा नहीं है जिसकी इतनी व्यापकता हो, तो हिंदी पर एक दायित्व तो भी है भारत की संघात्मकता को और पुनर्जीवित करने का, उसको और मजबूती प्रदान करने का। वैश्विक पटल पर आप हिंदी को कहाँ पाते हैं? पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस के तौर पर आज मनाया जा रहा है इसको, तो पूरी दुनिया में हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि भारत की जो जनसंख्या है और जिसको हम रिसोर्स के तौर पर देख सकते हैं और युवा वर्ग है भारत का, उसमें विस्तार और विकास जो हुआ है उस वजह से भी दुनिया के सारे लोगों का जो आर्थिक मामला है वो उनकी निगाहें भारत पर है, और उनको लगता है कि हमको भारत से जुड़ के ही रहना है, भारत एक महाशक्ति के तौर पर हर क्षेत्र में उभर रहा है, तो दुनिया के सारे देशों को लगता है। इस लिहाज से 160 से अधिक देश अपने यहाँ किसी न किसी रूप में हिंदी पढ़ने, हिंदी सीखने की संस्थाएं विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखने की कोशिश करें तो केवल अगर अमेरिका को एक प्रतीक के तौर पर हम लें, उसमें से एक देश को चुनकर, तो वहाँ भारत की 3 भाषाएं लोकप्रिय हो रही हैं, हिंदी, गुजराती और तमिल। पर जिस अनुपात में हिंदी का प्रचार और प्रसार वहाँ बढ़ रहा है वो दुनिया की बाकी भाषाओं के अनुपात से भी ज्यादा तेज है। जो यूनाइटेड नेशंस है उसने अपने रेडियो के बुलेटिन का साप्ताहिक कार्यक्रम हिंदी में शुरू कर दिया है 10 जनवरी 2019 से ही,
और जुलाई 2018 से ही यूनाइटेड नेशंस ने अपना न्यूज बुलेटिन का वेबसाइट शुरू कर दिया था। यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, वो अपना जो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सामग्री अपलोड करती है, हिंदी में भी करती है। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि कैसे हिंदी की ताकत भारत की ताकत के साथ ही हिंदी की भी लोकप्रियता और सब कुछ दुनिया में बढ़ रही है। जैसे हम कहते भी हैं कि भारत की बिंदी हिंदी, तो भारत की बिंदी हिंदी, भारत का सौंदर्य हिंदी, भारत की अस्मिता हिंदी और भारत का विश्व पटल पर उसकी जो एक पहचान है वो भी हिंदी से होगी ही होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत और राजभाषा हिंदी, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि राज्य तो अपनी भूमिका निभाता है, अगर नागरिकों के कर्तव्यों की बात करें तो वो इसमें कैसे कारगर तौर पर अपनी भूमिका निभा सकता है? किसी भी भाषा की हैसियत बढ़ती है उस भाषा भाषी की हैसियत बढ़ने के साथ। अगर किसी भाषा को थोड़े कमतर नजरिए से देखा जा रहा है तो ये प्रतिबिंब है कि उस भाषा को बरतने और बोलने वालों को कमतर माना जा रहा है, उनको तवज्जो कम मिल रहा है। जो नागरिक हैं, वो M.N. श्रीनिवासन का एक सिद्धांत है संस्कृतिकरण का। वो चूंकि हम पर लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो ज्ञान के लिए उनकी निगाहें अंग्रेजी की ओर ही झुकी होती है। एक चीज और जानना चाहूंगा कि रोजगार की अगर हम बात करें, हिंदी कहीं न कहीं रोजगार की भाषा बनने में थोड़ी सी पिछड़ती नजर आती है। हमारा जो पूरा ढांचा है, उस ढांचे में अभी भी अंग्रेजी का असर है। जब तक ऊपर से इस ढांचे को बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी भाषाई लिहाज से, और केवल हिंदी ही क्यों, इसमें आप हिंदी को तमाम भारतीय भाषाओं कि एक प्रतीक के तौर पर भी देखें तो सारी भारतीय भाषाएं पिछड़ती जाएंगी। इसलिए ये हिंदी पीछे है और बाकी भाषाएं तो और भी पीछे होंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ हो अंग्रेजी में, हिंदी में या बाकी भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद हो, और इस वजह से भाषा भाषियों की मौलिकता समाप्त हो जाती है। लोग अपनी मौलिकता के साथ अपने सोच को अपनी ही भाषा, अपनी ही जुबान में व्यक्त कर पाते हैं। ये बात तो सही है कि रोजगार के अवसर हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कम है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो आज हिंदी एक तरफ बाजार की भाषा भी बनती जा रही है। अगर हम बात करें तो जो वेब सीरीज की जो फिल्म्स हैं, उसमें अगर देखें तो हजारों करोड़ का निवेश आने वाला है, तो वो रोजगार में तब्दील होता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर वो रोजगार में तब्दील भी होगा तो प्राथमिक तौर पर वो जो निवेश है वो किस भाषा में काम होता है? ज्यादातर काम अंग्रेजी में होते हैं और उसकी डबिंग की जाती है हिंदी में, तो रोजगार तो अंग्रेजी को मिलेगा। डबिंग की वजह से हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं होगा, वो अंग्रेजी में ही होगा। दूसरी चीज आप देखिए, ये हिंदी में इसलिए आ रहे हैं या बाकी भारतीय भाषाओं में इसलिए आ रहे हैं कि इसके जनगण मन पर अपनी इनको पकड़ बनानी, इसलिए ये बाजार की व्यवस्था है। इसका समाधान क्या होगा गिरी जी? इसका समाधान होगा मौलिकता को बढ़ावा देना है, भारत को श्रेष्ठता के रास्ते पर लेकर जाना है, और श्रेष्ठता के रास्ते पर लेकर जाना है अपनी खूबियों के बल पर। तो यहीं की भाषा की ओरिजिनल चीजों को, मौलिक चीजों को आगे लेकर जाना होगा, इसी में काम करना होगा। ये नहीं करना होगा कि जो निर्णय लेने वाला तो अंग्रेजी में करे, बाद में कुछ अनुवादक बैठा दिए जाएं जिसके जरिए वो बातें नीचे तक चली जाए। ट्रिकल डाउन थियरी फिर नहीं चलेगा। भाषाओं में भी एक ट्रिकल डाउन थियरी है कि अंग्रेजी में काम हो गया और हिंदी में वो रिश्ते या बाकी भारतीय भाषाओं में अनुवाद के जरिए जाए। होना ये चाहिए कि इन भाषाओं में ही काम हो, इन भाषाओं में ही फैसले लिए जाएं, इन भाषाओं के जरिए ही योजनाएं बनाई जाए, और फिर जैसे बाकी कई भाषाओं में अनुवाद होते हैं वैसे अंग्रेजी में भी हो जाए। तो इसके लिए सब कुछ पलटना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि बदलाव शीर्ष स्तर से लाने की आवश्यकता है, तब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वास्तविक मूर्त संकल्पना है और जो हमारी राजभाषा हिंदी है, उसे एक नए सोपान की ओर बढ़ा सकेंगे। गिरी जी, आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। सामिकी में अभी आप सुन रहे थे एक भारत श्रेष्ठ भारत और राजभाषा हिंदी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन गिरी और आकाशवाणी संवाददाता संतोष द्विवेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।